तो गाइस सिर्फ मूवी के लिए व्लॉग है, तो अगर किसी ने नहीं देखना वो छोड़ सकता है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि सिर्फ मूवी के लिए व्लॉग बना हुआ है। तो गाइस सत श्री अकाल। तो दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ मूवी देखने, वो भी किस बंदे की, आप फैन होंगे मेरे हिसाब से उसकी, क्योंकि उसकी हर मूवी कॉमेडी होती है। तो आज मैं देखने जा रहा हूँ हौसला रख मूवी दिलजीत दोसांझ की। तो चलते हैं सीधा आज सिनेमे में, तो आज एंजॉय करते हैं मूवी, तो चलते हैं। तो लो जी मैं सिनेमा में आ चुका हूँ, जो नावटी चौक में आ जाता है लॉरेंस रोड, तो वहाँ पर आ चुका हूँ। अभी चलते हैं अंदर की ओर। तो ये सिनेमा आ जाता है, ये भी नया ही खुला है, सबसे लास्ट में ये अमृतसर में यही खुला है। तो ये आ जाता है नावटी चौक का। तो इस तरफ आपको मार्केट मिल जाती है, जलारस रोड आ जाती है। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं, जो कि सबवे आ रहा है जिस तरफ, तो चलते हैं सीधा अंदर को। टिकट तो मैंने ऑनलाइन ही बुक करवा ली थी, जो कि मुझे पड़ी है 358 रुपीस की गोल्ड। तो वैसे भी यहाँ की टिकट चीप होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे मॉल, कहीं में 250 रुपीस में मिल रही थी, लेकिन चलते एंट्री करते हैं। तो अंदर स्कैनर से स्कैन करवाते हैं टिकट, उसके बाद अंदर जाते हैं। बुक माई शो सामने लिखा है, उसी के थ्रू मैंने भी टिकट बुक करवाई है। तो एंट्री भी हो चुकी है अंदर, और अंदर खाने को आपको ऐसे कुछ मिल जाता है नावटी में, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन हम चलते हैं अंदर, अंदर जा कर देखते हैं कुछ अलग। मूवी तो मैंने देख ली है, मूवी काफ़ी अच्छी है, कॉमेडी भी है, इमोशनल भी है, रख हौसला। तो मैं आगे आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि काफ़ी बढ़िया है मूवी, आप बोर नहीं हो सकते मूवी में। अभी कुछ ऑर्डर किया है तो वो लेते हैं, स्विगी से ऑर्डर कर लिया मैंने, तो वो घर ले जाते हैं जाते वक्त। तो अभी मैं बाहर की ओर ही आ रहा हूँ, तो बाहर भी अभी अंधेरा हो चुका है, तो वो देख सकते हैं सामने। तो ये आ जाता है सामने का नज़ारा। माँ रोड आ जाती है इस तरफ, तो जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी पहले विजय वाली, तो अभी हम बाइक लगाई मैंने बाहर ही। वैसे तो पार्किंग अंदर भी नीचे भी है, लेकिन मैंने बाहर ही बाइक लगाई है। तो अभी वेट करते हैं स्विगी वाले का, नज़दीक ही आ जाएगा 5 मिनट में। लेकिन मूवी काफ़ी अच्छी थी, आप मूवी को, मैं आप ये बताना चाहता हूँ कि मूवी कॉमेडी भी है, इमोशनल भी है, काफ़ी अच्छी है। दिलजीत की एक्टिंग बहुत अच्छी है, और जो गिप्पी गरेवाल का जो लड़का है उसकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो आ जाता है नावटी चौक, और सामने आ जाता है नेहरू कम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ये नज़ारा है रात का। तो ये नावटी चौक है, तो इसका नाम इस शॉप के नाम पर बना है। ये पहले छोटी सी शॉप होती थी नावटी, तो अभी ये बहुत बड़ी होगी। ये इस पूरा मॉल ही नावटी का है, तो इसी के नाम पर ही नावटी चौक पड़ा है, जो कि लॉरेंस रोड के नज़दीक है। लॉरेंस रोड ही आ जाता है ये वाला। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।